तो आज यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के ऑफिस है और दूसरे दिन जो 2 अक्टूबर यानी कल गांधी जयंती के अवसर पे शुरू किया था, गांधी जी की 151वीं जयंती है, तो अलग अलग मुद्दों पे जिनको लेके जनता परेशान है, हर एक दिन एक दिन का अनशन कर रहे हैं और उन मुद्दों का मुद्दा उठाया गया था कि जन स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो ठीक से काम करे आम लोगों के लिए, स्वास्थ्य में निजीकरण बंद हो। अग्रवाल के 218 के उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोग अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराएं ताकि इन अस्पतालों और उसका फायदा आम लोगों को मिले। आज वैसे तो हमें शिक्षा पे करना था लेकिन आज हमने कानून व्यवस्था को चुना है क्योंकि स्थिति बहुत खराब है कानून व्यवस्था के हिसाब से। पिछले ही दिनों में 3 दलित लड़कियों का बलात्कार हुई जिसमें हाथरस का कांड बहुत चर्चा में है क्योंकि वहां पे पुलिस ने न सिर्फ के इलाज में देरी की जो मर गई 19 साल की लड़की, बल्कि उसके शव को आधी रात के बाद उसके गांव में बिना परिवार किए बल्कि परिवार वालों को घर में नजरबंद करके उस शव को दफना दिया, जला दिया बल्कि, और इसलिए ताकि इस बात के सबूत बलात्कार हुआ था। अब उस शव को जलाने के बाद पुलिस कह रही है कि बलात्कार का कोई सबूत नहीं है, तो ये एक साजिश थी क्योंकि है वो सारे सवर्ण नौजवान हैं और इत्तेफाक से वो उसी बिरादरी के हैं जिस बिरादरी से मुख्यमंत्री, और इसलिए सब लोगों को ये लग रहा है कि जो बात आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इधर कई दिनों से उठा रहे हैं कि ये सरकार जातिवादी राजनीति कर रही है और ठाकुर बिरादरी के लोगों का साथ दे रही है और कर रही है, ये बात अब कहीं हद तक सही नजर आ रही है हाथरस कांड से, और पुलिस की भूमिका पे सवाल उठ रहे हैं। उनमें जो है ये मामला उसी तरह से उठ रहा है जैसे एक दफा निर्भया कांड का मामला उठा था, और हमें इसमें कोई ठोस कार्रवाई होगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें लगता है कि सर्वे सर्वा है, और कल उन्होंने बयान दे दिया है कि इस कांड में ऐसी सजा दी जाएगी जो तो पहली बात तो ये है कि उनकी सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, कह रहे हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं, दूसरा देंगे भी तो सवाल ये उठता है कि सजा देने का अधिकार उनको कैसे है। उनकी पुलिस तो सिर्फ मुकदमा कर सकती है और मुकदमा न्यायालय, और सजा देने का काम न्यायालय करेगी, तो ये मुख्यमंत्री हमारे ऐसे हैं कि इनको ये भी नहीं मालूम कि सजा देना उनका काम है ही नहीं। जो अहंकार है और उनकी जो तानाशाही है ये इस बात को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि इनका जो पूरा जिसमें वो ताकत के बल पे, भय के बल पे लोगों को आतंकित करना चाहते हैं और उन्हें है कि कानून और व्यवस्था का राज कायम हो, ये उनकी नीति तो असफल हो गई है। उन्होंने इस प्रदेश में बात एक ठोक दो नीति बनाई, कहा कि जो भी अपराध करेगा उसको ठोक दिया जाएगा, यानी वो एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। 100 से ज्यादा लोग एनकाउंटर में मरने के बाद और कई हजारों मुठभेड़ होने के बाद कि आप प्रदेश में जितने अपराधी हैं
वो या तो जेल में है और या फिर वो अपनी जमानत खारिज करवा के जेल में पहुंच गए हैं या वो मार लिए। लेकिन उसके बाद एक से एक दिल दहलाने वाली घटनाएं हुई, जिसमें कानपुर किकरू कांड था, जिसमें 7 पुलिस वालों को अपराधी विकास दुबे और उसके गैंग ने उसके बाद वो भी मारे गए, और कई अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। कई अपराधियों की जो विशेषकर मुस्लिम बिरादरियों को ढाया गया, और प्रदेश में एक बस अपहरण का भी कांड हो गया जो पहले कभी सुना नहीं गया। लड़कियों के बलात्कार की तो घटनाएं आई हैं। तो उनका जो पूरा रवैया था भय और आतंक से कानून की व्यवस्था को कायम करने से धुआ है, ये दिखाई पड़ता है। उसके बावजूद इस सरकार ने घोषणा की है कि वो एक विशेष सुरक्षा बल बनाना चाहती है जो बिना करंट के किसी की भी तलाशी ले सकेगी और किसी को भी गिरफ्तार कर सकेगी। तो इस तरह का निरंकुश, जो किसी के प्रति जवाबदेह ना हो, अगर योगी आदित्यनाथ को ये लगता है कि इससे कानून व्यवस्था कायम होगी तो वो मुगालते में है। क्योंकि अगर आप प्रदेश, तो न सिर्फ अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हैं बल्कि पुलिस वालों को भी कोई डर तरह से अराजक हो गए हैं। उनको लगता है कि इस मुख्यमंत्री ने उनको पूरी छूट दे रखी है, इसलिए महोबा के एसपी साहब वहां रंगदारी वसूलते हैं, उसको धमकी देते हैं जो खनन व्यापारी है, खनन व्यापारी की मौत हो जाती है और फिर पुलिस ये कहती है कि उसने आत्महत्या कर ली। जो पुलिस के अफसर है वो गायब है, वो विशेष जांच दल उनसे संपर्क करके उनका बयान लेने की कोशिश कर रहा है, वो उनसे संपर्क ही नहीं कर पा रहा है। प्रतापगढ़ जिले में एक उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी के कार्यालय में अनशन पे बैठ जाता है, धरने पे, बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ जिले के अधिकारियों, तो ऐसी अराजकता तो उत्तर प्रदेश में पहले कभी देखी नहीं गई। और ये आदित्यनाथ सरकार में अहम है, उनकी जो सोच है उससे कानून और व्यवस्था स्थापित नहीं होने वाली है। अगर कानून और व्यवस्था स्थापित होगी तो वो विधि सम्मत तरीके से ही हो सकती है, लेकिन अगर कानून को किनारे रख के अपने आप जज मान के अगर योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ये नीति सफल नहीं होने वाली है। अब तो ये बात चाहिए, और अगर उनको ये बात समझ में नहीं आती है तो जैसा कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने कहा, इसकी नेता प्रियंका गांधी ने कहा है, अब समय आ गया है कि योगी को ये सरकार चलाना छोड़ के और अब गोरखपुर में जाके अपना मर्ज चलाना चाहिए। वो सरकार चलाने लायक नहीं, उनको मालूम नहीं है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। तो इस कानून और व्यवस्था की स्थिति पे आज यहाँ आ गया है, और सोशलिस्ट पार्टी के साथी इसमें सम्मिलित हैं, और कल से हम सड़क पे उतर के हाथरस कांड को लेके और सवाल को लेके हम प्रदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद।
ऑफिस है ना, यहाँ तो हम लोग बैठेंगे बाकी।